आज की बात स्वागत। देखिएगा, दुनिया में तरह तरह के लोग होते हैं, लेकिन इन तरह तरह के लोगों में कई लोग ऐसे भी होते हैं जो ये मान के चलते हैं कि भाई शब्द ये प्रमाण होता है, लिखा गया शब्द ये प्रमाण होता है, कहा गया शब्द ये प्रमाण होता है। ये जो शब्द प्रमाण होना जो बात है, इस प्रमाण पर, शब्द प्रमाण पर तथागत क्या कहते हैं, इस बात को आज की बात में समझेंगे। तथागत का बड़ा अच्छा उपदेश है और बड़ा प्रसिद्ध उपदेश है। ये उपदेश उन्होंने कालामु को दिया था। इस उपदेश को ही आज यहां आज की बात में समझेंगे। यदि बौद्धों की जीवनचर्या को देखा जाए तो बौद्ध प्रत्यक्ष तथा अनुमान दो प्रमाणों को मानते हैं। वे शब्द प्रमाण को नहीं मानते। बौद्धों की जीवनचर्या में या फिर तथागत की शिक्षाओं में शब्द प्रमाण ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। वे स्थान अगर देते हैं तो स्थान देते हैं अपने स्व अनुभव को या फिर अनुमान को, जो आज के आधुनिक विज्ञान का भी बड़ा अच्छा तरीका है किसी चीज को जानने और मानने का। बौद्धों की जीवन शैली में ये बात बड़ी प्रसिद्ध है कि बौद्धों ने हमेशा अपने विवेक से काम लिया है, और वे अपने विवेक से काम लेते हैं, यानी अपने बुद्धि की कसौटी से, क्योंकि अंत में मनुष्य का अपना विवेक, मनुष्य की अपनी बुद्धि को ही किन्हीं भी प्रमाणों को स्वीकार करना पड़ता है अथवा उनका तिरस्कार करना पड़ता है। आपने कई बार ऐसे उदाहरण देखे होंगे कि लोग, बहुत सारे लोगों की बात सुनते हैं, लेकिन सुनने के बाद उस चीज को जब करना होता है तब अपने मन से सोचकर ही करते हैं। तो अपने मन से सोचकर करना, ये विवेक वाली बात हो गई। अब इसमें किसी के शब्द प्रमाण की बात नहीं है। एक छोटी सी घटना है जो बौद्ध काल में घटित हुई। कौशल जनपद में तथागत चारिका करते समय ये कालामु का जो एक निगम था केशपुत, वहां पहुंचे और केशपुत ये कालामु ने तथागत से प्रश्न किया। अब केशपुत ये जो कालाम थे, उन कालामु ने तथागत से प्रश्न किया। प्रश्न क्या था कि भंते, कोई कोई श्रवण ब्राह्मण केशपुत में आते हैं, अपने ही मत को प्रकाशित करते और दूसरे के मत का खंडन करते हैं, फिर दूसरे कोई आते हैं वे अपने मत का समर्थन करते हैं, अपने मत का प्रतिपादन करते हैं और दूसरों के मत का खंडन करते हैं। ऐसे लोग तो होते ही हैं। कई बार लोगों में इस बात का बड़ा अहंकार भी होता है कि वो जो जानते हैं वो ही सही है, और ये मानकर ही वो लोगों पर उस बात को थोपने की भी कोशिश करते हैं, और दूसरों के मतों का खंडन करने वालों की तो कोई कमी ही नहीं है। कालामु ने उस समय इस स्थिति को फेस किया और तथागत से प्रश्न कर लिया। तथागत से पूछा कि भाई इतने लोग आते हैं और वो कहते हैं कि भाई हमारी बात सही है और औरों की बात का खंडन करते हैं, आप क्या मानते हैं कि किस बात को, हम लोग तो कंफ्यूज हो जाते हैं। कालामु का ये कहना था कि भाई हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं, हम क्या करें, किसकी बात माने किसकी बात ना माने, हर एक दूसरों के मत का खंडन करने लगता है। तो तथागत ने उनका समाधान किया, बड़ा प्रसिद्ध समाधान है, सुनिएगा। तथागत ने कहा कि कालामु, तुम्हारा संदेह अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। आप सब भी देखते होंगे कि आपके मन में भी ये संदेह आते होंगे कि बात किसकी माने, ये कहते हैं ऐसा करो, वो कहते हैं वैसा करो, वो कहते हैं वैसा ना करो। तो तथागत कहते हैं, कालामु तुम्हारा संदेह अपनी जगह ठीक है, संदेह ही ज्ञान का जनक है। अगर किसी के मन में डाउट उत्पन्न होता है तो निश्चित रूप से वो ज्ञान की राह पर चलेगा, क्योंकि संभव, जब भी संदेह होगा तो संभावना यही बनती है कि संदेह से बाहर निकलने की आदमी कोशिश करेगा। तथागत कहते हैं, लेकिन कालामु,
तुम किसी भी बात को इसलिए सत्य मत मानो कि यह तुम्हारी श्रुति है। तो कहते हैं कि काला मुंह इसलिए मत मानो कि वो तुम्हारी श्रुति है, तुमने सुना है, इसलिए भी सत्य मत मानो कि ऐसा तुम परंपरा से मानते चले आए हो। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जो परंपरा से चीजें चली आ रही है उनको वैसा ही मानने लगते हैं। आवश्यकता तो है नहीं, उसका परीक्षण करना चाहिए कि परंपरा में कोई चीज चली आ रही है लेकिन क्या वो इस वक्त भी परंपरा होने के लायक है। अगर नहीं है तो उसे हटा दिया जाए, उसे अपनी जीवनचर्या से बाद कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए। तो कालाम से ये कहते हैं तथागत कि तुम परंपरा से मानते चले आए हो इसलिए उसे सत्य मत मानो, उसको इसलिए भी सत्य मत मानो कि तुम्हें लगता हो कि ये तो ऐसा ही है। बहुत सारे लोगों को ये भ्रम हो जाता है, किसी असत्य को लोग सत्य मान बैठते हैं, कई बार ऐसा होता है, और वे भ्रमवश मानते हैं, तो इसे सत्य मानने की जरूरत नहीं। तथागत कहते हैं तुम इसलिए भी किसी चीज को सत्य मत मानो कि ये तुम्हारे धर्मशास्त्र में लिखी है, इसके लिए भी सत्य मानने की जरूरत नहीं। तथागत यहां कालमो के साथ ये जो बातचीत कर रहे हैं इसमें बड़ा विद्रोह है। वे कह रहे हैं कि धर्मशास्त्र में लिखी है इसलिए भी मत मानो, फिर वे कहते हैं कि इसलिए भी उसे सत्य मत मानो कि ये तर्क संगत है। तुम्हारा जो तर्क है उस तर्क में ये संगत लगती होगी, तर्क संगत होगी, लेकिन इसके लिए भी मत मानो। फिर वे कहते हैं कि इसलिए भी उसे सत्य मत मानो कि ये न्याय हेतु से सिद्ध। आपको लगता है कि भाई ये न्याय के रूप में ठीक लगती है, इसलिए भी मत मानो। फिर वे कहते हैं कि इसलिए भी सत्य मत मानो कि कहने वाला जो व्यक्ति है उसका व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक है, कोई बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति है और उसने कह दिया कि भाई ये ऐसा ऐसा है, इसलिए उसे मानने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए भी सत्य मत मानो कि ये तुम्हारे चिर विचारित मत के अनुकूल है। किसी बात को इसके लिए भी मत मानो कि तुमने जो बड़े लंबे समय से अपनी स्वयं की जो धारणा बना ली है, अपने मन की, अपने विचारों की जो मान्यताएं आपने तय कर ली है उसके अनुरूप ये लगता है, इसलिए भी मत मानो। इसलिए भी सत्य मत मानो उस चीज को कि कहने वाले का रूप सुंदर है, बड़ा सुंदर दिखता है, कह दिया तो ठीक ही होगा, बड़े अच्छे आकर्षक और सुंदर रूप वाले लोग भी कुछ भी कह देते हैं और उनकी बात पर लोग विश्वास कर लेते हैं। तथागत कहते हैं इसकी जरूरत नहीं है, ऐसा ना मानो। फिर वे कहते हैं कि इसलिए भी ये बात मत मानो कि कहने वाला हमारा श्रद्धा भाजन है। ये जो कहने वाला है, ये कहने वाला हमारा श्रद्धा भाजन है, इसके प्रति बड़ा आदर है, इसलिए भी मत मानो। तो फिर क्या कालामु, जब तुम्हारा अपना विवेक कहे कि ये बात सदोष है तो उसे सदोष मानो। जब तुम्हारा अपना विवेक अगर ये कह दे कि ये बात सदोष है तो उसे सदोष मानो, जानो। और अगर तुम्हारा विवेक कहे कि ये बात निर्दोष है तो उसे मानो, उसे जानो। और ये ही कालाम सुत्त के नाम से बौद्ध साहित्य में आता है, जिसे वास्तव में तथागत की शिक्षाओं का जो स्वतंत्रता का घोषणा पत्र है वो स्वतंत्रता का घोषणा पत्र कहा जा सकता है। अब कई बार व्यावहारिक रूप में ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं कि बच्चों के लिए बड़ों का मत ये आज्ञाकारी हो सकता है, बड़े जो कहते हैं वो मानना जरूरी भी हो सकता है, लेकिन बच्चों के लिए उचित है कि बड़ों की बुद्धि का महत्व स्वीकार करें, किंतु यदि बड़ों का कथन किसी छोटे आदमी को ना पटता हो तो उसे इस बात का अधिकार होना चाहिए। तथागत कहते हैं कि उन छोटों को भी इस बात का, बच्चों को भी इस बात का अधिकार होना चाहिए कि वो अपने बड़ों की बातों से असहमति दर्शा सके, असहमति बता सके। और इतनी स्वतंत्रता, ये अस्वीकार करने की स्वतंत्रता बड़ों का मत उसे होनी चाहिए। यदि हम बड़ों की बुद्धि को ही प्रमाण मानकर चले
तो क्या इसमें कोई तकलीफ हो सकती है? तो तथागत कहते हैं, अपने से बड़े तो अनेक जन हो चुके हैं और संभवतः आगे भी होते रहेंगे, तो किस अपने से बड़े की बुद्धि को प्रमाण माना जाएगा? आगे भी तो बड़े होते रहेंगे लोग, ये संसार कहीं एक जगह रुका तो नहीं है, ये संसार आगे बढ़ता रहता है, तो लोग तो और भी बड़े आते रहेंगे, तो ये जो बड़े लोग आते रहेंगे तो अपने से बड़ा किसको माने और किसकी बात को प्रमाण मानने न मानने का निर्णय तो हमें अंततः अपनी बुद्धि पर ही निर्भर होकर करना होगा। और इसलिए ये जो तथागत की शिक्षाओं में अत्यदीप भव वाली जो बात आती है, यानी कि स्वयं प्रकाशित बनो, वे प्रज्ञा को विकसित होने की बात करते हैं, प्रज्ञा के विकसित करने के लिए प्रयत्नशील रहने की बात कहते हैं। और इसलिए तथागत कालामों को ये बात समझाते हैं कि ये कोई जरूरी नहीं है कि हम वो जो बड़े हैं आचार्य हैं उनकी बात को ठीक मान ही ले, ये जरूरी नहीं है। अगर किसी बात पर असहमति है तो उसे बताएं, और उन बड़ों में भी इतना बड़प्पन जरूर होना चाहिए कि वो छोटे की बात को, वो जो बड़े की बात अस्वीकार कर रहा है, उस अस्वीकार्यता को वो स्वीकार कर सके और उसे भी स्थान दे। ये स्वतंत्रता है। और यहां वे कहते हैं कि किसी भी बात को मानने या न मानने का निर्णय हमें अंततः अपनी बुद्धि से करना होगा। इसलिए अंत में यही कहना श्रेष्ठतर है कि अपनी स्वयं की बुद्धि को तुच्छ ना माना जाए। बहुत सारे लोग अपने स्वयं की बुद्धि को तुच्छ मानते हैं, वे कहते हैं कि हमारी तुच्छ बुद्धि नहीं, अपनी बुद्धि को विकसनशीलता की प्रक्रिया में रखें और उसे विकसित करें, मतलब प्रज्ञा को विकसित करें, और प्रज्ञा को विकसित कर हर बात को अपनी बुद्धि की कसौटी पर कसें, उसको तौलें, जांचें, परखें और फिर उसे माने। तथागत यही सिखाते हैं। और ये जो भरोसा है, ये इस तरह का जो भरोसा रखने वाला व्यक्ति है, यही प्रगतिशीलता की पहली कसौटी है। और तथागत हर एक को इस प्रगतिशीलता की राह पर रख देते हैं, उसे अत्यदीप भव बनने की बात करते हैं। आज की बात में हम यहां रुकते हैं, कल मिलेंगे किसी अन्य विषय के साथ।